हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रक स्पार्क। आज अपन रिव्यू करने वाले हैं मेसी फर्ग्यूसन 241 DI के बारे में। अपन आज रिव्यू करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरुआत करें दोस्तों इसके साइड के व्यू से। तो यहाँ पे साइड का व्यू कुछ इस तरह रहेगा, जिसमें मेसी फर्ग्यूसन 241 DI की ब्रांडिंग दी हुई है। फिर नीचे इसके हाई लिफ्ट की भी ब्रांडिंग दी हुई है। लुकिंग वाइज देखें तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर दिख रहा है और काफ़ी शानदार इसके फ्रंट लुक में। आपको दो हेलोजन ब्लम लैंप मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे मेसी की फर्ग्यूसन की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी दी हुई है। काफ़ी शानदार दिख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव। सामने इनबिल्ड आपको हैवी ड्यूटी बम्पर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका वेट लगभग आपका 75 kg के आसपास है। और इसके आपका टोइंग हुक भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे दूसरी साइड का व्यू देखें तो कुछ इस तरह रहेगा। तो यहाँ पे फ्रंट टायर बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो यहाँ पे कंपनी आपको 6/16 के यहाँ पे आपको टायर प्रोवाइड करवा रही है, जो कि नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे आपको ड्यूल एक्टिव पावर स्टेयरिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर ड्यूल एक्टिव पावर स्टेयरिंग का। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके इंजन की, तो यहाँ कंपनी आपको 42 horsepower का इंजन दे रही है, जो कि 3-cylinder इंजन है और 2500 cc का इंजन है। और ये जो इंजन है आपका 1900 rpm पर आपकी पावर जनरेट करता है। और ये इंजन आपका वाटर कूल्ड एयर की इंजन है। इसके ऊपर आपका फ्यूल टैंक लगा हुआ है, जो कि 47 liter का आपका ये फ्यूल टैंक रहेगा। साथ में आपका बैटरी भी साइड में आपका दिया हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों इसके फ्यूल सिस्टम की, तो कंपनी आपको यहाँ पे इनलाइन पंप, बोस का इनलाइन पंप यहाँ पे दे रही है, जो कि आपका वाटर सेपरेटर के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये भी आपको देख सकते हैं इनलाइन पंप। यहाँ पे आपका वाटर सेपरेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूल डीजल फिल्टर के साथ आपको ये मिलेगा। ओवरऑल लुक देख सकते हैं इस साइड का कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे आपका साइलेंसर भी दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा साइलेंसर है इसके अंदर कंपनी ने यूज़ किया हुआ है। दूसरी साइड का व्यू कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे रेडिएटर दिया हुआ है, जो कि इंजन को ठंडा करने के लिए काम आता है। यहाँ पे आपका जो इंजन है सिम्पसन कंपनी का आपको ये इंजन मिलेगा। वहीं आपका 4-stage एयर बाथ एयर क्लीनर आपको मिलेगा। यहाँ पे गार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कूलेंट और यहाँ पे आपका फिल्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो आराम से। यहाँ पे ओवरऑल लुक कुछ इस तरह रहेगा। यही बात बात करें यहाँ बात करें अपने एयर फिल्टर की, तो यहाँ पे 4-stage एयर बाथ एयर क्लीनर आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपके में बात करें दोस्तों इसके ब्रेक्स की और क्लच की, तो कंपनी आपको ड्यूल क्लच यहाँ पे आपको दे रही है। ड्यूल क्लच का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा और सीट भी अपने हाइट और वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बात करें दोस्तों इसके गियर बॉक्स की, तो कंपनी आपको एड फॉरवर्ड टू रिवर्स का यहाँ पे ऑप्शन दे रही है। इसके अंदर आपको 10+2 का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो कंपनी आपको स्लाइडिंग मेस प्लस आपको पार्सल कॉन्स्टेंट मेस यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका स्टेयरिंग व्हील रहेगा। ओवरऑल लुक कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पे आपकी स्टेयरिंग व्हील है, तो इसके अंदर मेसी की ब्रांडिंग दी हुई है। दूसरा यहाँ पे आपका डिजिटल डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसके अंदर आपको RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, फ्यूल मीटर और बैटरी मीटर यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे साइड में आपका कॉम्बिनेशन स्विच और नीचे भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका स्विच दिया हुआ है। इसके अलावा इग्निशन स्विच का भी ऑप्शन प्लस यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, 12 voltage का इग्निशन के का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका गियर लीवर, जो कि 2 forward 2 reverse के साथ यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपके लीवर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका PTO की बात करें अपन दोस्तों, तो कंपनी है आपको आपको यहाँ पे 36 horsepower का यहाँ पे PTO मिलेगा, जो कि 6-ply है और क्वाड्रा कोर
क्वाड्रा पीटी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका छोटा सा टूल बॉक्स दिया हुआ है। तो बात करें ओवरऑल लुक, देख सकते हो आप यहाँ पे आपका काफ़ी शानदार दिख रहा है ट्रैक्टर। वहीं बात करें पीछे के टायर की, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी 13/6/28 के आपको टायर मिल दे रही है, और जो रिम का वेट है लगभग आपका 35 kg का यहाँ पे आपका वेट रहेगा। मैं बात करें दोस्तों इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो कंपनी आपको 1700 kg का यहाँ पे लिफ्ट कैपेसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। काफ़ी अच्छी है, शानदार है, और 3 पॉइंट लिंकेज के साथ आपको ये मिलेगा। और हुक को भी अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और हैवी ड्यूटी यहाँ पे आपका रियर एक्सल भी दिया हुआ है। ये पीछे की बैक लाइट है आपके दिए हुए, काफ़ी हैवी यहाँ पे फेंडर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपका पीटीओ रहेगा। यहाँ पे आपका सिंगल ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर प्लस आपका बॉटल होल्डर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे आपका सॉकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर ऐसे ही आपको दूसरी ट्रैक्टर और गाड़ी के बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।